विद्यालयों का काम होता है बच्चों को सही शिक्षा देना, नौनिहालों को देश के भविष्य के लिए तैयार करना, पर क्या हमारे विद्यालय इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो पा रहे हैं? आज हम जाएंगे अलग अलग प्राथमिक विद्यालयों में और बात करेंगे वहाँ की शिक्षकों से और जानेंगे कि वो किस तरह से देश के नौनिहालों को तैयार कर रही हैं और उनमें सामान्य ज्ञान कितना है। टीचर बनना अब एक शौक बन चुका है। ये शौक हमारे देश का भविष्य बिगाड़ने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, लाइव टुडे ने ये जानने की कोशिश की। प्रदेश के टीचर बच्चों को क्या ज्ञान परोस रहे हैं, हमारी टीम ने प्रदेश के तमाम जिलों में इसका रियलिटी टेस्ट किया। जो नतीजे आए उसे आप भी देखिए। हमारा पहला सवाल था, हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? जी 26 जनवरी हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारा देश मतलब गुलाम था जी, हम इसीलिए मनाते हैं, स्वतंत्र हुआ। हाँ? संविधान इसी दिन हमारा 26 जनवरी सन 1951-52 में ये लागू किया गया। देश आजाद हुआ था और क्या बोलते हैं, क्या हुआ था उस दिन? हमारे देश को आजादी के रूप में एक तरह से मनाया जाता है और मतलब देश आजाद हुआ था हमारे देश में, जो भी क्या कहते हैं ये सर 26 जनवरी हम लोग उसे हम लोग का देश आजाद हुआ था और संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग बच्चों को उसमें अपना बताते हैं और उनको समझा के बताते हैं और बनाते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, अब जरा सुनिए हमारा दूसरा सवाल, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री मुलायम सिंह। नरेंद्र मोदी, दामोदर दास, नरेंद्र मोदी। जनाब ये वो लोग हैं जो सरकारी पैसा लेकर हमारे देश का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, नौनिहालों को शिक्षा दे रहे हैं। अब सुनिए हमारा तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? हमारे प्रदेश में 72 जिला है। 29 जिले जी, 30 अब जरा इन प्रिंसिपल महोदया से भी मिल लीजिए, इनकी बातें आपको और ज्यादा पसंद आएंगी। मैम संविधान जो लागू हुआ था कौन से सन में हुआ था और किसने किया था? और ये हाँ ये 1958 संविधान लागू इन सब हाँ 1950 किसने किया था? किसने किया था नीता बोलो कुछ, ये उनसे भी पूछ लीजिए, यानी इनसे भी पूछ लीजिए कुछ। हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये सब देखकर आपको हंसी जरूर आ रही होगी, हकीकत में ये बात हंसने की नहीं रोने की है। आखिर गणतंत्र राष्ट्र में हम अपनी पैदावार किन लोगों के हाथ से सिंचवा रहे हैं? इलाहाबाद से आकिब रजा और गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे लखनऊ।